हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग एल्गोरिथम। मेरा नाम राघव है। आज की इस वीडियो का टॉपिक होना है कि दोस्तों, जनरेटिव एआई बहुत ट्रेंड में चल रहा है, काफ़ी दिनों से ट्रेंड में चल रहा है। तो उसके जो सिलेबस है, उसका जो कोर्स है, फ्री में कहाँ अवेलेबल है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है हमें, क्या क्या सिलेबस है उसका, सिलेबस तो नहीं बोल सकते, कहाँ कहाँ पे उसका वीडियोस मिलेंगे आपको, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो जनरेटिव एआई बेसिकली जो भी आजकल जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल देख रहे हो आप, चैट जीपीटी देख रहे हो, आपने जेमिनी देखा, आपने बर्ड देखा, ब्लूम देखा, ये सारी जो भी हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो भी हैं, उन सब में इनके जो कोर्सेज हैं, आपको कहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करना है, बिगिनर टू एडवांस कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो कोर्स है आपका जनरेटिव एआई में, जो फ्री है, बिल्कुल अवेलेबल है आपका, आप गूगल में जाओ, गूगल पे एक जनरेटिव एआई आप सर्च करो, जनरेटिव एआई का जो कोर्स है वो आपका फ्री में अवेलेबल है गूगल क्लाउड पे, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि एआई में कई सारे रिस्पॉन्सिबल एआई और आपका एआई फॉर एवरीवन, ये गूगल पे भी मिलेगा। और उसके अलावा आपको अगर दूसरा है तो वो आपका एंड्रयू एनजी का है, 1 घंटे का कोर्स है, 1 या 2 घंटे का कोर्स है, 3 वीक का कोर्स है, और वो आराम से आप अच्छे से सीख सकते हो उसमें क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक क्या है, और आपका रैग क्या है, आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, और उसके साथ साथ आपकी प्रॉम्प्ट क्या है, चैट जीपीटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कितने पैरामीटर होते हैं, कैसे हम किसी भी AI बेस्ड एप्लीकेशन को कितनी जल्दी हम बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप जनरेटिव AI में सीखते हो। तो सबसे पहले जो बताया मैंने, गूगल पे आपको एक जनरेटिव एआई का कोर्स मिलेगा, और जो दूसरा है आपका वो आपका एंड्रयू एनजी deeplearning.ai करके वेबसाइट है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उनकी वेबसाइट पे जब विजिट करोगे तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, हाँ कुछ कोर्सेज उनके पेड भी हैं और कुछ कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो फ्री में हैं, ठीक है। उसमें आपको हो सकता है, अगर लैंग्वेज थोड़ा आपको मतलब उसमें क्या लैंग्वेज का इशू हो सकता है, थोड़ा एक्सेंट कम हो सकता है, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा हुआ था, उसके बाद चीज़ें सबटाइटल उसमें ऐड है, बट कुछ शॉर्ट कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें सबटाइटल नहीं है, तो उन वीडियोस को आपको बहुत ढंग अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो एक हो गया आपका एंड्रयू एनजी का, और दूसरा हो गया आपका गूगल में, ठीक है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और तीसरा है आपका इसी deeplearning.ai वेबसाइट पे, वहाँ पे जब आप जाओगे डीप लर्निंग वेबसाइट पे, तो वहाँ पे कोर्सेज का एक आपको वो मिलेगा, कॉलम मिलेगा, वहाँ पे जाके आप शॉर्ट कोर्सेज पे जब क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे पहला आपका अभी जो नया ऐड किया इन्होंने, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक है ना, और ये बेसिकली एक टेक्निक है, फाइन ट्यूनिंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक LLM मॉडल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, उस पर ये कोर्स है पूरा, ठीक है। एक कंसेप्चुअल एंड हैंड्स ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्यूनिंग एंड ईविल, जो मैंने बोला अभी, फाइन ट्यूनिंग यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड ह्यूमन फीडबैक, ठीक है। तो ये आपका बिगिनर के लिए है बेसिकली, और बहुत छोटा कोर्स है, ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं, पहला कोर्स तो ये हो गया। दूसरा कोर्स है आपका चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, जैसा ही मैंने बोला कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल में क्या होता है कि कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनसे कि हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया आपका, रैग हो गया आपका, फाइन ट्यूनिंग हो गई, और आपका ये जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक, ठीक है। और उसके बाद एक अगला कोर्स है आपका बिल्डिंग सिस्टम विद द चैट जीपीटी API, ठीक है, आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कैसे हम जो LLM जैसे हैं, जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको हम बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली जो LLM है, जैसे कि चैट जीपीटी ले लो, चैट जीपीटी में कम से कम 150 बिलियन पैरामीटर है, ठीक है, ऐसे इतने सारे उसमें डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड ऑडियो इमेजेस के फॉर्म में, वो होते हैं हमारे LLM। चैट जीपीटी अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, उसको यूज करते हो, उसको यूज सही यूज करने का सही तरीका क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, मतलब जो भी आप सपोज जो आप उसका कॉलम होता है, जो उसको आप टेक्स्ट में देते हो ना, उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है, और उसी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हम चीज़ें यूज करते हैं उसको हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, ठीक है। और भी सारे आपके बहुत सारे जैसे फाइन ट्यूनिंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बहुत सारे कोर्सेज पे अवेलेबल है, लोग बोलते हैं ना फ्री में, आप पेड के चक्कर में मत पड़ो, सबसे पहले आपको जो फ्री में अवेलेबल है उन चीज़ों को यूज करना सीखो। deeplearning.ai वेबसाइट पे आप जाओगे, कम से कम 10 कोर्सेज वहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आप जनरेटिव AI बहुत अच्छे से सीख सकते हो,
उसके अलावा उनकी वेबसाइट पे आपको ब्लॉग, जो भी ब्लॉग पढ़ना चाहो ब्लॉग पढ़ सकते हो, रिसोर्सेज भी इवन उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उनकी उनकी ई बुक हैं और उसके साथ साथ उनके कोर्स की स्लाइड भी अवेलेबल हैं, एआई नोट जो भी आप देखना चाहो, और जो नोट्स में वो गाइड भी करते हैं कि आप किन किन और रिसोर्स से पढ़ सकते हो, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखी है। तो अगर जनरेटिव एआई को आपको अच्छे से समझना है, कि चैट जीपीटी को समझना है, आपको जेमिनी को समझना है अच्छे से, ब्लूम करके एक है उसमें सबसे ज़्यादा पैरामीटर है, अब जो कंपनीज है वो और भी नंबर ऑफ पैरामीटर बढ़ाते हुए जा रही हैं, धीरे धीरे करके वो ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही हैं। तो जो चीज़ें हैं ना, आपको अगर आप एआई डेवलपर हो या फिर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जनरेटिव एआई क्या है, उसके बारे में क्या है, मतलब कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे वर्क करता है, क्या क्या टेक्निक है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो ये सारे कोर्सेज है ना, ये फ्री में अवेलेबल हैं आपको deeplearning.ai वेबसाइट पे, आप वहाँ से जाकर इनमें इजीली इनरोल करके आराम से पढ़ सकते हो, और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो पेड हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से सीख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये वैल्यूएबल है, तो आप उनका मतलब पेड कोर्स भी खरीद सकते हो, ठीक है। वैसे तो हमारे हिसाब से अगर आप इनके जो फ्री कोर्सेज हैं यही परचेस, मतलब यही पढ़ो, इन्हीं से सीखो और इन्हीं कैसे से नोट्स बना के, इन्हीं से ब्लॉग पढ़ो, इन्हीं की बुक्स पढ़ो, आपको अच्छे से समझने की एक मतलब उन्हें समझ में आने लगता है धीरे धीरे करके, कि आपको पेड कोर्स लेना है नहीं, या फिर इतने में काम हो जाएगा, या फिर हम गूगल पे जाके और सारी चीज़ें जो भी हैं वो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, जो फ्री में है प्लीज़ आप उसको यूज़ करो, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। एक बार वीडियो की समरी बता देता हूँ, अगर आप जनरेटिव एआई में कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं, एक है NDVNG का कोर्स, एक 2-3 वीक का कोर्स है, उसके बाद एक गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनमें से एक कोर्स है आपका जनरेटिव एआई पे, वो तो कर सकते हो। उसके अलावा deeplearning.ai वेबसाइट पे आप विजिट करो, वहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं जनरेटिव एआई के बारे में, तो उनको आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।